आज हम बात करेंगे ट्रेन में जनरल टिकट जो निकाल रहे हैं अभी लॉकडाउन के पीरियड में, वो कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा ये प्लेटफॉर्म पे टिकट अभी नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे अपने जनरल टिकट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए निकालेंगे, इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। रिजर्वेशन के मामले में तो सबको पता है कि रिजर्वेशन जो होता है स्लीपर का सबको ही निकाल सकता है, लेकिन जो अभी जनरल टिकट है वो कैसे निकालना है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखिए आ जाएंगे IRCTC की नए वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप IRCTC का ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हो तो आप कर लीजिए और इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, आपका जो भी लॉगिन और पासवर्ड होगा उससे आपको लॉगिन करना होगा, अगर नहीं है तो आप IRCTC में अपना वेबसाइट बना लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन अपना अकाउंट को मैं यहाँ पे कैप्चा के साथ में कैप्चा यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो कैप्चा दिया हुआ है जो सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे लॉगिन होगा। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करके आपको यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लॉगिन होके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो वेरीफाई करेगा आपका यूज़र आईडी को वेरीफाई करेगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो प्लान माई जर्नी में आप यहाँ पे ओके करेंगे। प्लान माई जर्नी में चलिए मैं यहाँ पे कहाँ से कहाँ, मतलब मुझे ये टिकट निकालना है मुझे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो चलिए मैं पटना से निकाल लेता हूँ। पटना को सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे। पटना को सर्च करने के बाद चलिए मुझे यहाँ देखिए पटना मिल गया है और मैं पटना के यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब पटना से मुझे आरा के लिए निकालना है, तो चलिए मैं आरा स्टेशन को, यहाँ पे मेरे घर से नज़दीक होता है तो मैं इसको स्टेशन को निकालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आरा को सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पे आरा जैसे सर्च करेंगे नीचे में मुझे आरा का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है, तो मैं इसको भी यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, वहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सर्च ट्रेन करना है। यहाँ पे डेट आप चूज कर लीजिए, एक डेट कब का जाना है वो डेट आप चूज करके यहाँ पर सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे आप। तो सर्च ट्रेन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी ट्रेन होंगे वहाँ पे अवेलेबल होगी, वहाँ पे पूरा शो होने लगेगा। तो सभी ट्रेन में सीटें नहीं है, देखिए इस ट्रेन में सीट है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2S है, ये स्लीपर है और ये AC है, थर्ड AC है, और ये देखिए सेकंड AC और ये है फर्स्ट AC है, यहाँ पे फर्स्ट AC है। तो आपको 2S मतलब होता है वो टू सीटर केवल बैठ के जाने वाला, जो जनरल डब्बा होता है वही होता है। तो 2S आपको निकालना है, याद रखिएगा आपको 2S को ओके करना है। तो 2S में जितना सीट है ये वाला, हाँ 2S को ओके चलिए हम कर लेते हैं। और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल आपको भरना पड़ेगा 2S को करके। 2S को जब हम कर लेंगे तो यहाँ पे चलिए पैसेंजर डिटेल को हमें ओके एग्री करना पड़ेगा, यहाँ पे ओके करिए, फिर आपको यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर, जो भी अब जिसको जाना है उसका नाम यहाँ पे लिखिए। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे एज लिखिए, यहाँ पे मेल फीमेल क्या है वो डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे जो भी नाम है मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, और फिलअप करने के बाद यहाँ पे मैं एज नीचे वाले ऑप्शन पे एज कितना है वो मैं एज को भी यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, मेल है या फीमेल उसको ओके कर लीजिए। और नीचे जाके नीचे सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐड पैसेंजर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ऐड पैसेंजर है, आप इसको ऐड पैसेंजर को ओके कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पैसेंजर मुझे करना था इसलिए मैं एक किया। अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको चेंज कर, जो भी मोबाइल नंबर डालना होगा आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालता हूँ। रुकिए, यहाँ पे पहले एड्रेस डाल लीजिए, आप नीचे जाएंगे जैसे ही तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस को डाल दीजिए। और ये जो डब्बा जो दिख रहा है आप इसमें भर सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं, और ऑप्शनल है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी यहाँ पे आपको पिन कोड देना बहुत ज़रूरी है, आप जहाँ के वहाँ के पिन कोड जैसे ही देंगे तो आपका लोकेशन यहाँ पे सामने आ जाएगा, आप उस लोकेशन को ओके कर लीजिए। ठीक है, फिर नीचे आइए, आप यहाँ पे भीम UPI या तो क्रेडिट कार्ड या तो पेमेंट या तो मतलब ATM कार्ड से किससे पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। इंश्योरेंस वाले में नीचे सबसे यस कर दीजिए और देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे रिव्यू योर डिटेल्स पे तो देखिए वहाँ पर बता रहा मोबाइल नंबर हमने नहीं डाला था, तो मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम ऊपर ले चलते हैं और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर को जैसे ही फिल करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर फिल होता है अपना कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे रिव्यू और नीचे ऑप्शन पे और डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये आ गया है, ये डिटेल्स पूरे आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में देखिए कैप्चा है, ये कैप्चा को आपको यहाँ से फिलअप करना पड़ेगा। ये जैसे ही कैप्चा को आप फिलअप करेंगे तो कुछ ऐसा आ करके आपके सामने आएगा, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप पेमेंट वाला ऑप्शन को यहाँ पे भीम UPI को
क्लिक करिए, तो यहाँ पे चलिए भूम फोन पे है, जिससे आप सभी तरह से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहे यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से पेटीएम से अब यहाँ पेमेंट करके देखता हूँ। पेटीएम से पेमेंट करने के बाद ऐसे आपका ऑप्शन आएगा और ऊपर आपको पेटीएम का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, पेटीएम नंबर अपन डाल रहा है, प्रोसीड करना है। तो मुझे चलिए आप पेटीएम से कर लीजिए या तो यूपीआई से कर लीजिए, और ऐसे पेमेंट करके आप यहाँ से टिकट को, जनरल टिकट को निकाल सकते हैं। तो मुझे टिकट नहीं निकालना, आपको प्रोसेस यहाँ बताना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।